Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Students, in today's video, I will continue our fifth poem, A Roadside Stand, written by the poet Robert Frost. I have earlier told you that in this poem, the poet Robert Frost describes the miserable condition of the people living in the countryside. पहले बता चुकी हूँ कि इस पोएम में पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो रूरल एरिया के जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया है कि कैसे वो पीपल हैं, वो सफर्ड हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे वो सिटी लोगों को देखते रहते हैं कि जो वहाँ से जाते हैं उनको कि कैसे वो कार में या गाड़ी में जाते रहते हैं, वहाँ पर नहीं रुकते हैं. वो जो जिन्होंने स्टैंड लगा रखा है, जो स्टॉल पर बैठे हुए हैं, वो ये सोचते हैं कि सिटी पीपल हैं, वो कुछ टाइम के लिए वहाँ पर रुके, उनका सामान खरीदे, जिससे उनकी अर्निंग हो सके, उनकी लाइफ भी बेटर हो सके, क्योंकि उनके हाथ में भी कैश होगा, वो भी अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनको फुलफिल कर सकेंगे. तो इस पॉइंट में कुछ स्टैंजा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो लास्ट में हमने स्टैंजा डिस्कस किया था, वो ये था कि ऐसी न्यूज़ थी कि जो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं वो इन रूरल एरिया के पीपल को थिएटर और स्टोर के पास सेटल करना चाहते हैं, और वहाँ पे जाके वो ये कहते हैं कि अब उनको अपने बारे में सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उनके बारे में कौन सोचेगा? रिच पीपल सोचेंगे, पावरफुल सोचेंगे, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है. वो उनका यूज़ करेंगे, वो अपने बेनिफिट के लिए उनको एक्सप्लोइट करेंगे, और उनको एक्सप्लोइट करने का ये तरीका बहुत ही एंशिएंट है. वो उनको ये सिखाएंगे कि रात को सोते कैसे हैं, और ये सिखाने के ये कह के कि हम ये सिखा रहे हैं कि कैसे सोते हैं, बदले में वो खुद तो पूरी रात सोते हैं और उन्हें एक्सप्लोइट करते हैं. वो उनके प्रॉब्लम्स को नहीं समझते, वो उनसे बेनिफिट अर्न करते हैं. तो इससे नेक्स्ट स्टैंजा है, वो हम डिस्कस करेंगे. समटाइम्स आई फील माई सेल्फ, आई कैन हार्डली बियर. अब पोइट क्या कहते हैं, कई बार क्या लगता है उसे, आई फील माई सेल्फ. आई रेफर पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. पोइट क्या फील करता है, आई कैन हार्डली बियर. हार्डली मीन्स स्केर्सली, मुश्किल से. बियर मीन्स टॉलरेट. कई बार पोइट है वो इस बात को बहुत ही मुश्किल से टॉलरेट कर पाता है, बहुत मुश्किल से उसको ये बात उसके लिए बहुत ही मुश्किल है सहन करनी. कौन सी बात है, द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन. चाइल्डिश लॉन्गिंग, चाइल्डिश लाइक ए चाइल्ड, लॉन्गिंग मीन्स डिजायर, मीन्स एक बच्चे की तरह डिजायर होना, इच्छा होना. इन वेन कि जो स्टैंड पे बैठे हुए हैं उनकी जो इच्छा है वो कैसी है, वो चाइल्डिश है, वो बिल्कुल ही चाइल्डिश डिज़ायर है उसकी, और वो उसकी चाइल्डिश डिज़ायर वेन है. वेन मीन्स यूजलेस. इसका मतलब है कि जो वहाँ बैठे हुए हैं फार्मर्स, वो ये सोचते हैं कि कोई गाड़ी आएगी, रुकेगी, उसमें से कोई उतरेगा, उसके पास आएगा, उसके सामान का प्राइस पूछेगा, उनसे ख़रीदेगा, उनकी अर्निंग होगी. उनकी ये इच्छा है वो क्या है, ये चाइल्डिश डिज़ायर है, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, कोई भी उनके पास नहीं आता. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ चाइल्डिश लॉन्गिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा वेटिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, कि कस्टमर्स का लगातार वेट करना. दैट विल नेवर टर्न्स अप इज ए चाइल्डिश डिज़ायर, जो कभी पूरी नहीं होती, जो आते नहीं है, इसलिए इसको चाइल्डिश लॉन्गिंग बोला गया है. और ये उनकी डिज़ायर है, ये कैसी है, यूजलेस है. यूजलेस क्यों है, बिकॉज कस्टमर्स नेवर कम, दैट्स वाई इट्स वेन. द सैडनेस, सैडनेस मीन्स डिसअपॉइंटमेंट, उदासी. दैट लक्स, लक्स मीन्स लाइज हिडन, छुपा होना. नियर द ओपन विंडो, अब जो विंडो ओपन कर रखी है उन्होंने, उसके पीछे क्या है, सैडनेस है. सैडनेस कहाँ पे है, उनके फेस पे है. वो सैडनेस क्या है कि कस्टमर्स के ना आने का जो दुख है वो उनकी क्या है, वो उनकी सैडनेस है. दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, वो लगभग प्रेयर भी करते रहते हैं कि कोई कस्टमर आए, उनका सामान ले, और वो बहुत ही सैड होते रहते हैं, और वो लगातार उनकी वेट करते रहते हैं. फॉर द स्किल्स ऑफ ब्रेक, वो क्या प्रे करते हैं, वो क्या सोचते रहते हैं कि कोई कार रुके, उसका उसके ब्रेक लगने की आवाज़ आए. द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, किसी कार के रुकने की आवाज़ आए. ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार दैट पास्ड,
लेकिन बहुत सी कार वहाँ से पास होती हैं एंड ऑल दीज कार्स आर सेल्फीज हियर सेल्फीज कार डिवाइस इज एपिथेट और यहाँ पे सेल्फीज कार मीन्स सेल्फीज ओनर कार क्योंकि कार तो सेल्फीज हो नहीं सकती तो यहाँ पे सेल्फीज कार का मतलब है सेल्फीज ओनर कार या कार ओनर जस्ट वॉन्ट टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर और वो ये चाहता है कि कोई उनके पास आए उनसे ये पूछे कि जो चीज़ें उसने बेचने के लिए ऑफर कर रखी हैं उनकी प्राइसेस क्या हैं एंड वन डिड स्टॉप एक वहाँ पे रुका उसके पास आया बट वन टू प्लो अप ग्रास लेकिन उसने क्या किया जो उसके कोर्टयार्ड में उसके यार्ड में उसके ओपन स्पेस में जो ग्रास उगी हुई थी उसका यूज कैसे किया उसने जो उसकी गाड़ी थी उसको टर्न करने में उसका यूज किया और वहाँ से वो चला गया मीन्स जो फार्मर है वो वेट कर रहा होता है कोई कार आई वहाँ पे रुकी उसने टर्न किया और वहाँ से वो चली गई इन यूजिंग द यार्ड यार्ड मीन्स ओपन स्पेस टू बैक एंड टर्न अराउंड एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड एक और रुकी उसने क्या किया उससे ये पूछा वेयर डज दिस रोड लीड टू कि रास्ता कहाँ जाता है दूसरे ने ये पूछा उनमें से किसी ने भी उससे उसकी प्राइस नहीं पूछे उसके सामान के ना किसी ने उसे खरीदे एंड अनदर टू आस्क एक और आया टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस और वो क्या करने आए वो ये पूछने के लिए आए क्या उनके पास गैलन गैस है दे कुडंट दिस क्लोजली अब उन्होंने ऐसा ये सब सुनने के बाद लास्ट जो आया था जिसने ये पूछा कि गैलन गैस है ये सुनने के बाद फार्मर को बहुत ही गुस्सा आया क्यों क्योंकि उनके पास गैलन गैस नहीं थी वो गैलन गैस को सेल नहीं करते थे आई थिंक ये एक्सट्रैक्ट आपको क्लियर ये स्टेंजा क्लियर हो गया होगा अब नेक्स्ट स्टेंजा है लास्ट है ये नो इन कंट्री मनी नो देर इज़ नो मनी इन कंट्री साइड इट्स फैक्ट दैट इन रियलिटी देर इज़ नो मनी देर इज़ लैक ऑफ मनी इन कंट्री साइड इन रूरल एरिया द कंट्री स्केल ऑफ ग्रेन द कंट्री स्केल ऑफ ग्रेन मीन्स द लाइफ ऑफ द पीपल इन द कंट्री साइड इज क्वाइट मिजरेबल फॉर वॉन्ट ऑफ मनी मनी विच कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ देयर लिविंग इज नॉट फाउंड देयर मनी जिससे कि हम लिविंग के स्टैंडर्ड को मेजर कर सकते हैं उसकी वहाँ पे कमी है द रिक्यूसाइट रिक्यूसाइट मीन्स प्रॉपर द रिक्यूसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट्स हैज़ नेवर बीन फाउंड इट मीन्स कि ड्यू टू लैक ऑफ मनी द स्पिरिट ऑफ द पीपल ऑलवेज रिमेन डिप्रेस्ड जो पैसे की कमी के कारण उनकी जो स्पिरिट्स हैं वो डिप्रेस रह जाती है वो दबे हुए फील करते हैं वो टॉर्चर्ड फील करते हैं सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन इसीलिए जो रूरल एरिया के पीपल हैं उनकी आवाज़ में क्या दिखता है ऑलवेज कंप्लेन वो कंप्लेन करते हुए दिखते हैं ऐसा लगता है कि वो कंप्लेन कर रहे हैं कंप्लेन किस चीज़ कर रहे हैं उनके पास पैसे नहीं है पैसों की कमी है उनकी डिजायर है वो पूरी नहीं हो पाती है वो एक्सप्लोइटेड है ये सारी क्या है उनकी सफरिंग्स हैं और ये उनकी कंप्लेन है आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ रिलीफ मीन्स कम्फर्ट इट वुड बी अब पोइट कहता है कि पोइट के अकॉर्डिंग जो रियल रिलीफ है वो क्या होगा टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन अब पोइट ये चाहता है कि इन लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं सफरिंग्स हैं वो एक ही बार में ख़त्म हो जाए एक ही झटके में ख़त्म हो जाए द पोइट वॉन्ट्स एन इमिडिएट एंड ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द रूरल पीपल वो रूरल पीपल की सफरिंग्स को एकदम से ख़त्म करना चाहता है वो सबकी प्रॉब्लम्स को एकदम से ही दूर करना चाहता है वन स्ट्रोक आउट मीन्स इन विद वन ब्लो एक ही बार में एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेन सेन मीन्स बैलेंस पोइट ने पहले क्या चाहा कि जो ये पीजेंट्स है जो पुअर पीपल है इनकी सारी प्रॉब्लम्स वो एक बार में ख़त्म हो जाएं अभी तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि कोई भी चीज़ उसका सलूशन है वो धीरे धीरे होता है तो एक बार उनके प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं हो सकता वो एक बार में ख़त्म नहीं हो सकती तो पोइट ने तो ये सोच लिया कि एक बार में ख़त्म हो जाए अब नेक्स्ट डे क्या होता है जब पोइट बैलेंस बनाता है जब वो रियलिटी को देखता है तो उस टाइम पे आई वंडर या फिर आई लगभग पोइट है
पोइट सरप्राइज होता है, वंडर मीन्स सरप्राइज, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, वो ये सोचता है कि तुम मेरे पास आ रहे हो, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, वो तुम ये बात प्रेजेंट कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो कि जो मेरे पेन है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। इसका मतलब है पोइट ये इमेजिन करता है, ये सोचता है कि जब वो बैलेंस बनाता है अपना रियलिटी को देखता है, तो उसने ये सोचा कि तुम मेरे पास आ रहे हो और तुम ये कह रहे हो कि हम तुम्हारे प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर देंगे। अब पोइट की प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने का मतलब क्या है, पोइट की प्रॉब्लम क्या थी, जो पेजेंट्स की प्रॉब्लम थी वही पोइट की प्रॉब्लम थी, तो पोइट की प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो रूरल एरिया के पीपल हैं उनकी प्रॉब्लम्स भी शॉर्ट आउट हो जाएगी। और पोइट ये और इस टाइप से बच्चों आपकी ये पोएम है रोड साइड स्टैंड ये कंप्लीट होती है, तो इसको अच्छे से देखना है। इसमें ये बताया गया है कि जो गैप है रिच और पुअर का वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो जो पुअर है उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए जो गैप है उनके बीच का वो एवरेज वो दूर होना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को सूटेबल स्टेप लेने चाहिए, सोशल सर्विस एजेंसीज हैं उनको भी अपने लेवल पे कुछ स्टेप सूटेबल स्टेप लेने चाहिए। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको ये पोएम क्लियर हो गई होगी, इसको अच्छे से पढ़ के देखना है, इसके क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ के देखना है, कहीं से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।